नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो सत्र है, जैसे कि हम स्तन्य को लेकर बात कर रहे हैं। 1 से 8 अगस्त ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है, और इसी को लेकर एक सेलिब्रेशन के रूप में हमने ये सीरीज रखी है, जिसमें स्तन्य को लेकर हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है अगैलेक्टोरिया। सो अगैलेक्टोरिया यानी जो दूध है वो किसी ना किसी कारण से नहीं निकल पाता है। देर इज अ डिफिशियंसी इन प्रोडक्शन, और बाहर निकालने में भी कभी कभी डिफिशियंसी होती है, पूरी तरह से दूध बाहर नहीं आता है। आयुर्वेद में इसको स्तन्य क्षय या स्तन्य नाश के रूप से देखा जाता है। ये एक्चुअली वैसे तो सिंपल सी कंडीशन लगती है, बट कई बार जैसे अलग अलग प्राणियों की बात करेंगे तो कई बार कई सारे रिसर्चर्स ऐसे हुए जिसमें ये देखा गया कि प्राणियों में अगर इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो वहां पे वो सीरियस भी बन जाता है। कई कई बार तो इट इज रिलेटेड, जैसे कल के सत्र में हमने मैस्टाइटिस को डिस्कस किया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी का, और इसी तरह से आज भी आप यहाँ पे फेसबुक के माध्यम से अपने कुछ आंसर्स या प्रश्न हो तो भी डाल सकते हैं, आप ग्रुप से जोड़ सकते हैं जिसमें हम लोग जैसे आज विषय में चल ये कैसे होता है, और फिर आगे हम लोग इसमें अलग अलग ग्रुप से चर्चा। तो सबसे पहले तो ये जो कंडीशन है अगैलेक्टिसिया, इट इज डिफाइंड एज एन एब्सेंस ऑफ फेल्योर ऑफ द सीक्रेशन ऑफ मिल्क। ये मिल्क लेट डाउन नहीं होता है और फेल्यूर इन मिल्क प्रोडक्शन दोनों कारणों से होता है। कभी कभी इट इज ड्यू टू द कंजेनाइटल फेल्योर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट नहीं होता है, बहुत रेयर कॉज है, बट एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल्स में ये ज्यादा होता है। फेल्यूर इन मिल्क लेट डाउन यानी दूध बाहर नहीं निकल पाता है, इसमें खास करके साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ज्यादा होती है और इन अप्रोप्रिएट हार्मोनल इंटरेक्शंस, और बहुत ही ज्यादा लाइक नर्वस एक ये होता है, इसमें रिफ्लेक्स होता है, एंड हाईली स्ट्रेस एनिमल्स में या हाईली स्ट्रेस जो व्यक्ति होती है, महिला होती है, उसके साथ भी ये हो सकता है। एंड ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ब्लॉक हो जाता है और फिर ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन बन जाता है। बाकी सारी कंडीशन है जैसे मास्टाइटिस है, कोई इन्फेक्शन है, ये भी अगैलेक्टिसिया का कारण है। आयुर्वेद की परिप्रेक्ष्य में ये रसधातु की विकृति, पुअर न्यूट्रिशन, ये बहुत ही मतलब रसधातु ठीक से नहीं बन पा रहा, ये इसका मुख्य कारण बनता है। इसका डायग्नोसिस आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ कर सकते हो, और एक्चुअली फिजिकली आप एग्जामिन करेंगे, दर्शन स्पर्शन करेंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैमरी ग्लैंड काफी नॉर्मल होती है, उसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, स्थानिक आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ मिलेगा नहीं, और इसीलिए फिर ऐसे हो जाता है ना कि इसमें कैसे विचार किया जाए। एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है क्या, और कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है क्या नर्वस सिस्टम को लेकर, और कई बार ऐसे सारे आपको यहाँ पे सकिंग रिफ्लेक्स भी ठीक से नहीं है क्या बच्चे का, वो भी देखना पड़ेगा। इसके बहुत सारे कुछ कारण है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बिकॉज ये बहुत सुंदर तरीके से इस विषय को समझा जा सकता है, यानी हम लोग इसमें ऐसे अच्छे से विचार कर सकते कि इसके कारण क्या क्या है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन देखेंगे तो लाइक देर आर मेनी फैक्टर्स जो ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी है जो कि की कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के लैक्टेशन के लिए। इस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है मिल्क को, मिल्क डक्ट को, एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर्म्स लोब्यूल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी है, प्रोलैक्टिन इज द प्रेडोमिनेंट हार्मोन दैट स्टिम्युलेट द मेमोरी ग्लैंड, हाई प्रोजेस्टेरोन एंड हाई इस्ट्रोजन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्रेस द प्रोलैक्ट एक्शन ऑन मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एडिशनली प्रोलैक्टिन जो होता है वो HCG करके जो ह्यूमन कोरियोनिक जो एक हार्मोन होता है इसको भी स्टिमुलेट करता है। जो एंजाइम को स्टिमुलेट होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए सारे, और फिर डिलीवरी के बाद इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज हो जाती है और प्रोलैक्टिन फुल्ली स्टिमुलेट होता है। प्रोलैक्टिन फुल्ली स्टिमुलेट होकर एलोविलाइज से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कॉर्टिसोल, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, थायराइड TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन,
स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन, मतलब ओवरऑल फोकस रहता है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन पर, एंड इसका इंफ्लुएंस होता है मिल्क की कंपोजिशन पर, एंड इस प्रकार से यहाँ पर ये कंपोजिशन होता है। वेयर एज डोपामिन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग द एक्शन, मिल्क सिक्रेशन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन विच स्टिमुलेट्स द मायोएपिथेलियल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज द स्टोर्ड मिल्क इन टू द डक्ट्स, एंड इस प्रकार से स्टिम्युलेशन करता है प्रोलैक्टिन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन। मिल्क सिक्रेशन कंटिन्यूस अंटिल सकिंग एड्स, जब बच्चा सक करता है तो मिल्क आने लगता है। इंटरेस्टिंगली इवन इफ द एलोवेला स्टिल कंटेन मिल्क वंस सकिंग स्टॉप्स नो मोर मिल्क कैन बी रिलीज्ड। अगर बच्चा ठीक से सक नहीं कर पाता है, चूषण नहीं कर पाता है माँ के दूध को, वो ठीक से ये पकड़ नहीं पाता है, लैच अच्छे से नहीं होता है, तो भी दूध नहीं आएगा। And so it is important to allow plenty of time for feeding or breast pumping to empty the breast. When all of the milk is released, the breast stimulates additional milk production for the. अगर आप स्तनों से दूध नहीं निकालते हो तो वहां पर मतलब अगला दूध नहीं बनेगा, यानी जो दूध बन रहा है उसको निकालिए, वो बच्चे को पिलाइएगा। बच्चा जैसे जैसे सक करता है वैसे वैसे ये stimulate, it is a reflex. बच्चे के प्रति प्यार वात्सल्य और भावना, बच्चे के स्पर्श को लेकर भी स्तन्य प्रवर्तक हेतु के रूप से इसको बताया, यानी स्तन्य जब बनेगा, जब माँ के मन में बच्चे के प्रति प्यार होगा, माँ बच्चे को लेती है उसको पास में मतलब अपने गोदी में भरती है, तो माँ के स्तनों से अपने आप से दूध निकलता है। ये एक बहुत ही मतलब अजब भी नहीं है, बट इट्स रियली एक इमोशनल फील्ड वाली बात है ये, कि ऐसे होता है, और इसीलिए माँ का बच्चे के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर बच्चा दूर है तो भी यहाँ पे दूध का धीरे धीरे नाश होता है। आफ्टर डिलीवरी धमनी और सिराए दूध है, इसको कोलेस्ट्रॉल बोला है, और दो अंजलि के रूप में डेली ये बनता है। एंड अगर ये एमएल की बात करेंगे तो 600 to 800 ml ऑफ मिल्क इज सिक्रेटेड पर डे। एंड बिल्कुल इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि बच्चे के आवाज से भी दूध निकलता है, बच्चा रो रहा है तो भी माँ को ये मतलब ऐसे होता है कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊ, रो रहा है, मतलब साइकोजेनिक फैक्ट। आई वांट टू से दैट साइकोजेनिक फैक्टर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट। और आजकल बहुत मतलब एक दो केसेस ऐसी आई थी, कितनी अच्छे से मतलब महिला डॉक्टर थी और उसने अच्छे से पूरी गर्भिणी परिचर्या को अच्छे से फॉलो किया था, स्टिल शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस गैलेक्टो रिया, यानी उसको दूध ही नहीं आ रहा था और वो बहुत काफी परेशान थी। उसको लग रहा था कि मैं खुद से डॉक्टर हूँ और मैंने सारा कुछ किया, फिर भी मुझे जितनी मात्रा में दूध आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और बिल्कुल इस प्रकार से आई थिंक ये प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स, सकिंग रिफ्लैक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तन्य क्षय या स्तन्य नाश, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। रिवेलेंस का देखेंगे तो 23 to 63% वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारे इंडिया के कुछ प्रांत में भी 45% में ये इसका रेशो है। सो ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो प्रॉब्लम बड़ा ही ये होता है, एंड सो आई थिंक इसके लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, स्तन्य क्षय ऑकर्स ड्यू टू साइकोलॉजिकल कंडीशन, क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या वगैरह, अवात्सल्य, डाइट रेजिमन। स्तन्य नाश और स्तन्य क्षय ये आचार्य सुश्रुत ने डिटेल में बताया है। आचार्य सुश्रुत के साथ काश्यप, वाग्भट, भावप्रकाश, इन सभी ने इसका मुख्य कारण लंघन, रुक्ष अन्नपान का सेवन करना, कर्षण और अत्यंत अपतर्पण, शोधन का अतियोग करना, क्रोध, बाकी सभी मानसिक हेतु, शोक, काम, ये सारे है। एंड सो स्तन्य क्षय ऑफकोर्स ड्यू टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन और इनटेक इफ अगर रुक्ष आहार और वात कफ प्रकृति की महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है। स्तन्य का जो ये है नाश है, इट इज ड्यू टू लाइक नॉन इनिशिएटेड बाय अर्ली सकिंग। अगर आप बच्चे को अर्ली सकिंग नहीं कराते हो तो वहां पे स्तन्य का नाश होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे बच्चा दूध पीता है वैसे वैसे स्तन्य निर्माण होता है, और फिर आप इसको काउंसलिंग, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और फ्रिक्वेंट सकलिंग, ज्यादा से ज्यादा मामलों में सकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सो वी कैन ट्रीट अ गैलेक्टिया वेरी नाइसली, अच्छे से हम लोग कर सकते हो गैलेक्टो एंड मेडिकेशन जो आयुर्वेद में अलग अलग रूप से है स्तन्य का पोषण करने के लिए, हम लोग इसको
जो गण बताया है, एक महाकषाय के रूप में आचार्य बताते हैं उसका आप कर सकते हो प्रयोग, जो स्तन्य जनन क्षीर जनन के रूप से गैलेक्टोज है, देर आर मेनी प्लांट्स, प्लांट्स को मैं बाद में बताऊंगी, बट पहले मैं जैसे बता रही थी कि किस प्रकार से ये फिजियोलॉजी के को लेकर, ब्रेस्ट की और स्तन्य की फिजियोलॉजी को लेकर सभी आचार्यों ने बताया है कि कैसे यहाँ पे स्तन्य का सिक्रेशन होता है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी जरूरी है। कुछ आगे बात करते हैं कि इसमें प्राइमरी भी होता है ये लैक्टेशन इनसफिशियंसी और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी और प्राइमरी लैक्टेशन इनसफिशियंसी क्या है, 5% महिलाओं में ये प्राइमरीली होता है, प्राइमरी इनएबिलिटी टू लैक्टेट ड्यू टू इनएडिक्वेट ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर हाइपोप्लास्टिक ब्रेस्ट, ब्रेस्ट सर्जरी के कारण लाइक मैस्टेक्टोमी है, ब्रेस्ट रिडक्शन है, या कुछ सिस्ट वगैरह बन जाती है सिस्ट रिमूवल के कारण, सर्जरी, निपल पियर्सिंग, और ये भी प्राइमरी लैक्टेशन इनसफिशियंसी के कारण। अभी आगे बढ़ते सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी यानी जो हम लोग अभी सारा डिस्कस कर रहे थे मोस्ट ऑफ सेकेंडरी में है। इसमें अलग अलग थोड़ा डिवाइड करते हैं फैक्टर्स इन द बेबी, प्री मैच्योरिटी, बच्चे का वजन कम है, बच्चे का वजन कम होने के कारण वो चूसन नहीं कर पा रहे, सक नहीं कर पा रहे, बर्थ एस्पैक्सिया इलनेस डिफेक्ट है, क्लेफ्ट पैलेट के कारण भी बच्चा ठीक से ये कर नहीं पाता है, सक नहीं कर पाता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में भी बच्चा काफी कमजोर होता है, यूटीआई इन्फेक्शन, ये बच्चे के कुछ कारण है जिसके साथ बच्चा माँ का दूध ठीक से पी नहीं पाता है, दूध पीगा पिएगा नहीं तो बनेगा नहीं, बस सिंपल सी बात है, मैटरनल फैक्टर्स। इसमें काफी सारे फैक्टर्स होंगे जैसे एनीमिया, पोस्ट पीपीएच पोस्टपार्टम हिमोरेज है, मॉडरेट और हेवी स्मोकिंग, और मैमोजेनेसिस यानी इनसफिशियंट ब्रेस्ट टिश्यू ठीक से डेवलप नहीं हुए है, ब्रेस्ट सर्जरी रिडक्शन, लैक्टोजेनेसिस, प्लेसेंटा रिटेन्ड, डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत मतलब कुछ महिलाएं आराम से 3-4 दिन बाद या कभी कभी शुरू शुरू में वो स्थिति में नहीं होती कि वो बच्चे को दूध पिला सके, फिर ऊपर का दूध दिया जाता है, एक बार महिला ने पहले 5-7 दिन का जो मतलब दूध नहीं पिलाया तो फिर बाद में दूध आने में काफी समस्या आती है, जहां पे फिर हम लोग अलग अलग रूप से ये उपचार करते हैं। इसके साथ साथ इनएडिक्वेट ब्रेस्ट ड्रेनेज यानी गैलेक्टोपोयासिस, मिल्क इनटेक रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ फीड, यानी जैसे मैंने बताया कि कुछ महिला मजबूर होती है काम के कारण से कि वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, दूध नहीं पिला पाती यानी लॉन्ग ड्यूरेशन बिटवीन टू फीड्स, जैसे आमतौर पर हम लोग बताते हैं ना 2 से 3 घंटे में फीड करना चाहिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है, इन अप्रोप्राइट मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट यानी अगर कुछ सोर निपल है, एंगोरमेंट है, ब्रेस्ट मतलब बहुत ही कुछ समस्या उसकी है, व्रण बन गया है, कुछ व्याधि है उसके, तो वो नहीं ठीक नहीं करेंगे तो दूध कैसे आएगा, तो उसको पहले आप रूल आउट करिएगा। बहुत ज्यादा थकान, कुछ अलग ट्रीटमेंट चल रही होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इसका कारण है, और ब्रेस्ट फीडिंग के रॉन्ग टेक्निक्स, अच्छे से दूध को नहीं पिला पाना, कुछ साइकेट्रिक कंडीशन बहुत ज्यादा, डिप्रेशन पोस्टमार्टम पीरियड का एक डिप्रेशन आजकल बहुत हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां तैयारी नहीं होती बच्चे को लेकर, उसके मन में ये रहता है कि मैं बच्चे को कैसे संभालूं, एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है लाइक मैंने अभी बताया कि सेपरेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर, बच्चा माँ से दूर रहता है, वो भी एक बड़ा कारण है जो आपका ये सेकेंडरी गैलेक्टिसिया के लिए। पेनफुल इन्फेक्शन, सीजरियन सेक्शन के बाद या ओपोजिटोमी है और सक्शन लगाकर डिलीवरी हुई है, अर्ली इंट्रोडक्शन टू बॉटल फीड्स, ये भी एक बड़ा कारण है आजकल फैशन के रूप पे या ब्यूटिफिकेशन के रूप में देखते हुए बच्चे को माँ दूध पिलाने से मना करती है या नहीं पिलाना चाहती है, तो बॉटल फीडिंग चालू होता है। एक बार आपने बॉटल फीडिंग चालू कर दिया, बच्चे के प्रति माँ के मन में प्यार का कम, प्यार का अभाव, ये भी बड़ा कारण है। अर्ली बॉटल फीडिंग, वर्किंग वुमन को ठीक से फैसिलिटीज नहीं होना, स्ट्रेस जो वात के प्रकोपक की हेतु है, वात का प्रकोप रस धातु में जाकर ये वायु रस धातु को दुष्ट करेगा, धातु रिष्ट हो जाएगा और यहाँ पे दूध नहीं बनेगा। हाई प्रेशर एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेबी फूड्स, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में बेबी बेबी फूड, बेबी शॉप्स, बेबी कपड़े को लेकर वेबसाइट से मतलब आप देखेंगे ना कि इतना बड़ा ये मार्केट है, अलग अलग मार्केटिंग कंपनियां बेबी फूड को इतना मतलब बड़ा चढ़ाकर इंट्रोड्यूस करती है, और फिर माँ और बाकी घर वाले भी इसके मोहजाल में फंस जाते हैं और वो बेबी फूड के पीछे लग जाते हैं, एंड सो ये सारे कारण के चलते ये गैलेक्टिसिया होता है। इसके साथ ही मिल्क इनसफिशियंसी, दूध ना बनना, फीडिंग प्रैक्टिस नहीं होना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन,
बच्चे का बिहेवियर, कई बार आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, माँ को ठीक से पता नहीं होता है कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, और कभी कभी वो पिलाना चाहती है पर पिला नहीं पाती है, पेन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, निपल ट्रॉमा, ब्रेस्ट पेन, निपल और ब्रेस्ट पैथोलॉजिकल कंडीशंस, और लैक ऑफ सपोर्ट, फैमिली फ्रेंड्स, हेल्थ प्रोफेशनल, सभी कुछ ऐसे सारे, ये दिस लैक्टेशन इज इन्फ्लुएंस्ड, ये सारे फैक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड मेटाबॉलिक हार्मोन्स है, इन सभी के चलते चलते भी ये डेवलप हो जाता है। एंड सो बिल्कुल इस प्रकार से इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बाकी हार्मोन्स का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हार्मोन्स का प्रभाव इम्पोर्टेंट होता है। अभी इतना सारा हमने कर लिया या डिस्कशन कर लिया, आपको इसको डायग्नोसिस भी करना है, आप इसको कैसे रूल आउट करेंगे, क्यों इन्वेस्टिगेशंस करिएगा, निपल का लोकल एग्जामिनेशन करिएगा, थोड़ा सा निपल को स्ट्रोक करिएगा, अगर इनकम्प्लीट लैक्टेशन है, दूध नहीं आ रहा, दूध बंद रहा नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा सा निपल्स के एक्सरसाइज भी होते हैं, मसाजिंग करिएगा, रोलिंग द निपल, उसको रोल करिएगा, फ्रीक्वेंट सकिंग, बच्चे को थोड़े थोड़े आधा आधा घंटे बाद पिलाते रहिएगा, जैसे जैसे पिलाते रहिएगा, दिन में 10 बार पिलाते रहिएगा, तो क्या होगा, ब्रेस्ट स्टिमुलेट हो जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू स्टिमुलेट हो जाएगा, इमोशनल स्टिमुलेशन मिलेगा, एंड ब्रेस्ट सिक्रेशन चल हो जाएगा। ड्रॉप ड्रिप मेथड में भी एम्प्लॉयड 8-10 मिनट में, और फिर फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन, तो कभी कभी टाइम लगता है, कुछ महिलाओं में ये भी होता है कि 2 दिन में नहीं आता है मिल्क, पहला मिल्क सिक्रेशन, इट मे टेक 2 to 10 days ऑफ टाइम पीरियड, 2 से 10 दिन लग सकते हैं, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद रिडक्शन ऑफ टॉप फिट टू हाफ ऑफ द इनिशियल, कंप्लीट रिस्टोरेशन, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे गैलेक्टोक, यानी आयुर्वेद के हिसाब से स्तन्य का पोषण, स्तन्य जनन द्रव्य, तो दूध से ही दूध बनता है, तो दूध पिलाइएगा, बस सामान्य विशेष सिद्धांत के रूप से हम लोग देख सकते हैं। आजकल तो हमने देखा कि सारे डॉक्टर्स लोग आयुर्वेद के ही कल्पों का प्रयोग करते हैं, शतावरी देते हैं, और कई सारे इसमें जो ये होते हैं वो सारे आयुर्वेद के ही होते हैं, ऑक्सीटोसिन और इसका भी मतलब यूज किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन भी दिया जाता है, कुछ हर्ब्स भी यूज किए जाते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, अभी मैंने मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सारा समझा दिया कि क्या है ये सारे द्रव्य एंड कैसे होता है ये, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारा अप्रोच इसमें रहेगा कि हम स्तन्य नाश कैसे समझे, स्तन्य क्षय के कारण वही रहेंगे, वात का प्रकोप एंड ऑल, रस धातु का क्षय जो सारे कारण है, रस चिंतनाम अति चिंतनात के साथ स्तन्य क्षय, एंड स्तन्य क्षय, हाइपोगैलेक्टिया, स्तन्य नाश और गैलेक्टेरिया वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, तो हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, कैसे बढ़ाना है, बस स्तन्य को बनाना जो रस धातु के हाथ में है, तो रस धातु को अच्छा बनाइए, रस धातु को अच्छा बनाने के लिए वी कैन स्टार्ट विथ रसपाचक, रसपाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी, आम पाचन करिएगा, और जो सारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है उसका हम लोग प्रयोग, पहले 5 दिन का रसपाचक दीजिएगा, उसके साथ आप आरोग्यवर्धिनी, गुड़ चादी, घनवटी एक पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिएगा, और फिर हम लोग जैसे एक रस धातु थोड़ा अच्छा बनने लगेगा, एंड देन वी कैन स्टिमुलेट द रस धातु प्रोडक्शन बाय यूजिंग लाइक ये है शाली, गर्भा, कुश, काश, ये सारे जो द्रव्य बताए गए हैं, लहसुन है, श्रृंगारकक है, अलाबू है, शतावरी है, इस सभी को, विदारी कंद है, यष्टि मधु है, इन सभी का दूध में क्षीरपाक बनाकर हम लोग पिला देंगे, धीरे धीरे दूध बनने लग जाएगा इसमें, मतलब दूध बनाना ये बहुत ही ये नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बट जैसे मैंने बताया कि इसको रूल आउट करिए कि क्या है इसके कारण, क्या है इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, और फिर हम लोग इसमें ये कर सकेंगे कि क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया करीब करीब 25-30 ड्रग तो हमारे पास है, रस धातु को अच्छा बनने दीजिएगा, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे जो स्तुति का परिचर्या में बताया है कि किस प्रकार से माँ के दूध में शीत मधुर जीवनीय आहार के द्रव्य होंगे, माँ को सारे मानसिक हेतु से बचाइएगा, उसको सपोर्ट दीजिएगा, काउंसलिंग करिएगा, और पॉजिटिव सोच रखिएगा। अगर अभी आगे बढ़ते कि क्या क्या द्रव्य यूज करके, नल, रोहिष, वीरण, शाली, दर्भ, ये स्तन्य जनन एवं क्षीर जनन के रूप में है, आप इसका काढ़ा दीजिए, आपको स्तन्य जनन का टैबलेट या कषाय मिल जाता है, वो भी यूज कर सकती है, दर्भ, कुश, काश, इतक, क्षीर काकुली, ये भी स्तन्य कारक है, काकुली, क्षीर काकुली दोनों भी जीवक, जीवनी गण के कुछ द्रव्य है इसमें,
जीवक, मुदक, पर्णी, मांस पर्णी, स्तन्य कारक है, मेदा स्तन्य कारक है, महामेदा स्तन्य कारक, गुडुची स्तन्य कारक है, कटक श्रृंगी स्तन्य कारक के रूप में बताई है, तुगा स्तन्य कारक, पद्मक स्तन्य कारक, रिद्धि स्तन्य कारक, मृद्विका स्तन्य कारक, जीवंती यष्टि मधु, लहसुन भी क्षीर जनन है तो लहसुन का क्षीरपान भी दे सकते हैं, कशेरुक क्षीरजनक, श्रृंगाटक ये आपको मिल जाएगा, आप इसका खाने में प्रयोग कर सकते हैं, बीस क्षीरजनन, विदारी कंद क्षीरजनन, शतावरी क्षीरजनन, तो ये सारे क्षीरजनन है और इसीलिए इसका आपको रीजन वाइज भी आप देख सकते हो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग ये मिल जाते हैं। पिपली भी कुछ तमिलनाडु वगैरह में पिपली का भी प्रयोग किया जाता है, वहां पे वो मिल जाती है, वाइटेक्स निगूडो ये भी है इसमें, फिर गैलेक्टो प्रॉपर्टी वाले कुछ और भी द्रव्य है, जैसे कलौंजी है, कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते, कलौंजी के बीजों का प्रयोग करिएगा, फिर अस्पांद करके है वो भी उसके बीज का प्रयोग करें, सौफ के बीज का प्रयोग करें, सौफ का पानी, जीरक आद्यारिष्ट, हम लोग सौभ्यंग शुंठी पाक देते हैं, जीरक का चूर्ण देते हैं, जीरक आदि मोदक देते हैं, मूसली का रूट यूज करेगा, मूसली का रूट आप दूध में पका कर या दूध में उसका पाउडर बनाकर दे सकते हो, मूसली सिया करके आता है, मूसली सफेद करके आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, अलसी, हम लोग अलसी की खीर बनाते हैं गर्भिणी सुप्ति का अवस्था में, अलसी बेस्ट है, अलसी का अच्छा काम, अलसी के इसमें थोड़ा कभी आप पांच ऐसे करते हैं ना, 3 दिन अलसी की खीर देते हैं, फिर अजवाइन भी खान पान में रखते हैं, मुस्ता का कषाय, मुस्ता का पानी जल सिद्ध, मुस्ता जल सिद्ध बनाकर देते तो रस धातु की दृष्टि के लिए काफी अच्छा, नागर मोथा मुस्ता काफी अच्छे से काम करते हैं, सिंगाड़ा आप खाने में दीजिएगा इसको बेस्ट रहेगा, वो खाने में मिश्री ये भी रखिएगा, मिश्री का भी काफी अच्छा होता है, फिर और कुछ आपको चाहिए तो इसमें शतावरी और अश्वगंधा का बनाकर खीरपा दे सकती है, बला डालिएगा, अति बला डालिएगा और त्वक डालिएगा इसमें, शटी डाल सकते हैं, कृष्ण बीज डाल सकते हैं, जीरक डाल सकते हैं, विडंग भी डाल सकते हैं, जाति पत्री डालिएगा, और इतनी लंबी ये लिस्ट है, लवंग यूज कर सकते हैं, पिपली मरीच चव्य चित्रक यानी ये सारे गर्भ विद्रोह आप इस गैलेक्टोग प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ हमारे पास एक और जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, उसमें फेन्यूग्रीक का भी काफी अच्छा है, जो फेन्यूग्रीक ही इस्ट्रोजेनिक है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग गायनिक में काफी बताते रहते हैं कि इस प्रकार से उसको कैसे यूज करें, फेन्यूग्रीक के साथ फेनल का ऑलरेडी मैंने बताया है, और फेन्यूग्रीक ये सभी मायने में इस्ट्रोजेनिक होती है तो इस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, यानी आप उसको पानी में भिगो कर यूज करिएगा, कुछ लोग हर्बल टी का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे अलग अलग काढ़े और इस काढ़ों में आप ये डालकर यूज कर सकते हैं, कुछ गैलेक्टो में आता है, कुछ मिलियट्स आते हैं, एनिस बीज आती है, बेसिल आता है, मशरूम्स का भी यूज कर सकते हो, ओट्स का प्रयोग कर सकते हो, माश यानी उड़द की दाल खाने में रखिएगा, उससे भी काफी सपोर्ट मिल जाता है, स्पेशल फूड के रूप में आप ये सारे प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे पॉजिटिवनेस के साथ ये स्तन्य बनेगा, रस धातु की चिकित्सा आपको करनी है, यानी आहार में द्रव स्निग्ध मधुर शीत वाले सारे द्रव्य डालिएगा और काफी आपको इसका मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसका बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड हम इसको अच्छे से ये कर सकते हैं। आजकल लैक्टेशन के लिए खास प्रकार के मार्केट में बिस्कुट या कुकीज मिल जाते हैं, जैसे गेहूं के बिस्किट मिल जाते हैं, ओट्स के बिस्किट मिल जाते हैं, फ्लैक्स सीड वाला मिल मिल जाता है, कुछ आप घर में भी इस प्रकार के कुकीज बना सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में मिश्री गुड़ होगा, मधुर रस होगा, आप उसको बनाकर यूज कर सकते हो, जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है, तो आई थिंक इस प्रकार से हम लोग स्तन्य जनन कषाय के साथ यहाँ पर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से स्तन्य बनने लगता है, और स्तन्य बनाना ये टोटली डिपेंड करता है माँ के मन स्थिति के ऊपर, और इसीलिए माँ के मन में है, माँ के मन में अगर प्यार है तो बिल्कुल ये होगा, जिंजर का भी प्रयोग करिएगा, जिंजर फेनोग्रीक इसका भी आप खान पान में, अल्फला करके भी एक आता है, अल्फला भी खाने में बहुत यूज करते लोग, इससे भी दूध बनने में मदद मिलती है ऐसे बताया जाता है, और रस धातु को बढ़ाने, कई लोगों को फिर ऐसे लगता है ना कि ये हम इतना सारा मधुर वगैरह बनवा रहे,
खाने में इस्तेमाल कर रहे तो वजन बढ़ेगा क्या? ऐसे तो मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि इसके साथ आपका वजन बढ़ जाता है, ऐसा कुछ अनुभव इसमें नहीं डाला गया है या ऐसे कोई केसेस सामने नहीं आए हैं। सो यू कैन गो विथ ऑल दीज, जो सारे 25-30 द्रव्य मैंने बताए उन सभी का प्रयोग करके आप अपना कॉम्बिनेशन बनाकर इस प्रकार से इसको यूज कर सकती है। मधुर शीत वाले सारे द्रव्य आपको चाहिए और मधुर शीत द्रव्यों का चूर्ण काढ़ा कषाय सब कुछ इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। सो ये मैंने आज आपको बताया है स्तन्य नाश के बारे में, स्तन्य क्षय के बारे में। स्तन्य नाश ऐसी कंडीशन है, थोड़ी सी भयंकर कंडीशन है वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, बट इस पे आयुर्वेद ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। पाठादि जो गण है उसका प्रयोग करिएगा, पाठादि कषाय का प्रयोग करिएगा, बेस्ट आपको ये मिलेगा। मैं सभी वैद्यों से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो भी अपना जो भी अनुभव है वो भी डाल सकते हैं। लो मिल्क लो लैक्टेशन को लेकर आज के सत्र में हम लोग बात कर रहे हैं और जो भी मतलब मेरा विचार था उसमें मैंने रख दिया है। आप अभी अपना जो भी पक्ष है यहाँ पे रख सकते हैं। स्तन्य जनन दशमानी करके जो आता है उसका जरूर प्रयोग करिएगा। दशमानी तो हमारे पास अमृत के समान है, आपको रेडीमेड मिल जाएगा स्तन्य जनन दशमानी। बट जो भी महिला का स्ट्रेस जो है ना उसको जरूर कम करेगा। जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा ठीक से बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये स्तन्य जनन दशमानी तो बेस्ट ही है। इसमें वीरन एक आता है जो वातशमन करेगा, वातशमन के साथ साथ ये पाचन करता है, स्तन्य जनन है। साली या षष्ठिक साली यूज करें जो मधुर है, ये तो त्रिदोष का भी शमन करती है, शुक्रल भी है एंड बृहन है और बल्ले है, स्वर भी बढ़ाती है, स्वर को भी अच्छा करती है, रुचि भी अच्छा कर देती है। इक्ष्विका करके है दूसरा द्रव्य, ये भी वात पित्त का शमन करेगा। बल्ले है, दर्भ है, ये भी रसायन है। कूष है, कफ पित्त का शमन है। काश है, बल्ले वृष्य रुचिकर। गुंद्र करके एक है जो वात पित्त का शमन स्तन्य शोधन करता है। इत्तका करके एक द्रव्य है जो वात पित्त हर है एंड कथरूना करके है जो थोड़ा सा उष्ण है बट फिर भी यह वात कफ का शमन करता है एंड दीपन पाचन का काम करेगा। सो वीरन का जो रूट यूज करते हैं ना इसमें इस गण में तो वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी है, तो जहां पर ऐसी कुछ मास्टाइटिस या बाकी समस्या है तो वो भी काम यहाँ पे हो जाएगा। शाली षष्ठी शालिक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इम्यूनो मॉड्यूलेट प्रॉपर्टी है। इक्षुका में हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी, एफ्रोडोसिक भी है ये द्रव्य। दर्भ एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी ट्यूमर है और एंटी वायरल है। कुश एंटी माइक्रोबियल एंटी इंफ्लेमेटरी। मतलब ये मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ अलग समस्या के कारण माँ का दूध कम पड़ रहा है तो इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। तो ये कफवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करें, वात पित्त का शमन एंड कफवर्धक द्रव्य का प्रयोग करना है जो रस धातु की वृद्धि करेंगे। स्तन्य जो उपधातु है उपधातु ठीक से बनेगा, रस अच्छा बनेगा। अच्छा ओके चलिए, तो आई थिंक मेरे विचार से सारे जो कल्प है इसमें आ गए हैं। आपका भी कुछ इसमें विचार हो तो बताइए। चलिए हम लोग हमारे डॉक्टर्स फेसबुक के क्या कहते हैं देखते हैं, अपने ओपिनियन डालिए सारे जो भी डॉक्टर्स हैं। यस क्या बताया सर आपने? अच्छा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। अच्छा नमस्ते नमस्ते मिश्रा जी नमस्ते मैम। सर इसमें तो कर्षण चिकित्सा करनी पड़ेगी। आप मेदो और गुगुल का प्रयोग करिएगा, मेदो और गुगुल जो स्थूलता की चिकित्सा है वो सारा हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप इसको उद्वर्तन कर सकते हो, उद्वर्तन, बट कारण क्या है अचानक से मतलब, और क्या आपको लगता है? डाइट करिएगा, इस्ट्रोजन को कम करिएगा सर, इस्ट्रोजन को। यस ऑयल भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें,
इस्ट्रोजन को कम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एडिपोज टिश्यू ज्यादा बन रहे, तो एडिपोज टिश्यू को बढ़ाने वाले जो भी डाइट है यानी मधुशीत, तो वो हमें यहाँ पे ये करना है। इसमें जैसे आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करेंगे तो एक सैजी बेस्ट करके हम लोग इस कंडीशन को देख सकते हैं। तो इसमें थोड़े ऐसे वाला सप्लीमेंट या ऐसे वाले विचार करना होगा आपको। आप मसाज भी कर सकते हो। कफ शमन वाला सहचर तेल का कराकर देखिएगा। सहचर तेल की मालिश कर सकते हो। क्योंकि अनमैरिड महिला है तो थोड़ा सा आप एक बार शोधन भी कर सकते हो सर। रसपाचन करिएगा, रसपाचक भी दीजिएगा। इसमें त्रिफला गुगुल भी दीजिएगा। यस यस, त्रिफला तेल भी यूज कर सकते, त्रिफला गुगुल ऐड करिएगा सर। त्रिफला गुगुल का भी है। फेन्युग्रीक जो है उसको ओवरनाइट सोक करके आप इसका इस्तेमाल करिएगा। और ये जो पानी है फेन्युग्रीक का, जो पानी है जो लाइक सोक करके सवेरे उसको थोड़ा सा ग्राइंड करिएगा और थिक पेस्ट बनाइएगा, और ये पेस्ट आप ब्रेस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। शुंठी दीजिएगा, शुंठी सिद्ध जल दीजिएगा। हमें कफ का शमन करना है। आई थिंक पेशेंट की प्रकृति कफ होगी, या कुछ महिला जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, स्पोर्ट्स में होती है, उनका भी ये प्रॉब्लम होता है कि अननेसेसरी साइज बढ़ जाती है। तो आप शुंठी सिद्ध जल का प्रयोग करवाइएगा। लंघन शुंठी सिद्ध जल ये भी कर सकती है। इसमें और एक मेरा विचार ये है कि आप नीम के पत्ते और हल्दी का भी लेप लगा सकती है, या फिर उसको पी भी सकती है। पीने से भी रस धातु का थोड़ा सा क्षय करवाना है, मधुर रस कम करवाना है, वो करिएगा। जो वेट लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विचार करना है, और किसी का कोई विचार हो तो आप भी डाल सकते हैं। डॉक्टर राहुल, कांचनार गुगुल दीजिएगा सर, अगर बहुत ही पेशेंट का वेट भी ज्यादा है तो कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, और लेखन द्रव्य डालिएगा इसमें ना। एक और बताती हूँ मैं, बहुत सिंपल सा है। हरी तकी भी काफी अच्छे से कर्षण करेगा, सो यू कैन गो विथ हरी तकी। मेदोहर तेल करके भी एक मिल जाता है, आई थिंक इसका कोटेकल का है, वो भी कर सकते हो आप यूज। कंचनार गुगुल दीजिएगा 2 बेडी, हरी तकी, चित्रक मूल, शुंठी, त्रिफला, पाठा, ये 10-10 ग्राम मिलाकर इसका प्रयोग करेगा दिन में 2 बार। रसपाचक दीजिएगा, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। गूगल तो डालिएगा जरूर, और रसपाचक भी करिए, आरोग्यवर्धिनी भी दीजिएगा। सो धीरे धीरे मेद धातु या एडिपोज टिश्यू का विलयन होकर धीरे धीरे वहां जो ब्रेस्ट टिश्यूज है वो थोड़े से लूज हो जाएंगे, उसका लंघन होगा यानी उसकी झीज हो जाएगी, एंड धीरे धीरे फिर साइज भी कम होने में मदद मिल जाएगी। फैटी डाइट तो बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। ओवरऑल हम लोग ये कर सकते हैं, पूरा रस धातु पर काम करवाइएगा, रस धातु का क्षय करवाइएगा। कुछ योगासन भी आप कर सकते हो, वृक्षासन, ताड़ासन, इससे भी ये होता है, कम होता है साइज। और किसी का कुछ सवाल हो तो बताइए।
सर आप हल्दी का और इसका लेप लगा सकते हैं, इसमें त्रिफला का या मेदोर तेल का भी लेप लगा सकते हैं। फेनुग्रीक का बताया मैंने, फेनुग्रीक का जो है ना उसको भिगोइएगा रात भर, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप इसको पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं फेनुग्रीक का। पीने में भी दे सकते हैं आप इसको फेनुग्रीक का। फ्लैक्स सीड्स, जिंजर शुंठी, शुंठी का काढ़ा, शुंठी सिद्ध जल, उसको उबाल कर बनाकर पकाकर पीजिएगा शुंठी सिद्ध जल, क्योंकि ये अब हम लोग ओबेसिटी मैनेजमेंट पे भी यूज करते हैं ना, तो आई थिंक ये भी एक जो इम्प्रूव करेगा, साजी बेस्ट जो है वो भी इम्प्रूव करेगा। उसको करेक्ट साइज के क्लॉथ्स पहनने को बताइएगा। हल्दी और नरम इसका नीम का भी यूज कर सकते हो, ये आप लगा भी सकते हो और पी भी सकते हो। और त्रिफला और मेदोहर तेल, ये आप त्रिफला तेल एंड मेदोहर तेल से आप लगा दीजिएगा उसको। और बाकी मैंने आपको गूगल आरोग्यवर्धिनी, त्रिफला गूगल, मेदोहर गूगल, कांचनर गूगल भी कुछ लोग यूज करके ये करते हैं, उपचार करते हैं। रसपाचक स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा रहेगा वो। कुछ पेशेंट ने कुछ यूज किया था क्या, वो भी पूछिएगा। लाइक एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल कुछ उसने यूज किया था क्या, जिसके साथ भी ये हुआ होगा। ओके अच्छा, क्या डाले प्लीज। अच्छा परिभाषा में जुड़िए सर, हमारे संभाषा में आइए, संभाषा में जुड़ी है सभी लोग तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। मैं यहाँ पे लिंक डाल देती हूँ इस पे, आप जरूर जुड़िएगा इसमें। और लाइक आपको फिर डेली डिस्कशन एंड सभी कुछ आप कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक से कितना बता देंगे ना आपको। ये देखिए मैंने लिंक यहाँ पे शेयर किया है, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके और किसी का कुछ सवाल हो तो बताइए। एंड आई होप कि आज का सत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा। मैंने काफी सारे इसमें कल्प बताए हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल एक इसके हिसाब से बताया है, स्तन्य दुष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया है, तो सिंपली जो ये है उसके बारे में बताया है, गैलेक्टिरिया के बारे में बताया है, और आयुर्वेद इसमें बेस्ट काम कर सकता है। बहुत ही कॉमन सी समस्या है ये। ओके और शुभ्रा जी नमस्ते सभी को, एंड प्रमोद सर जी नमस्ते, आप भी कुछ इसमें अपना डाल सकते हैं, अनुभव तो डालिए शुभ्रा जी। ये तो सारे स्तन्य गण के बारे में तो बता दिया है मैंने, दशमानी। ओके और कितने सारे, मतलब हमारे पास तो प्लांट बेस्ड कितने सारे गैलेक्टोग है, बहुत सारे द्रव्य है हमारे पास जिसका प्रयोग हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। इतने सारे द्रव्यों की लिस्ट लंबी लिस्ट है, दशमानी गण के साथ साथ बाकी इतने सारे भी गण है। मतलब करीब करीब 30 से 40 प्लांट्स है, जीवनीय ब्रोहणीय सारे गण के, मधुर गण के वगैरह मिलाकर। यस यस जीरकता तो है मैम, जीरकाद्यारिष्ट तो काफी चलता है, सुप्तिकावस्था में हम लोग देते हैं ना जीरकाद्यारिष्ट, गुड़ जीरक मिलाकर देते खिलाते हैं, एंड जीरक के मोदक देते हैं,
सौभाग्य शुंठी फाड़ देते हैं। ओके चलिए फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो तो फिर आज के सत्र में रुक जाते हैं यहाँ पर। आप सभी के रिस्पांस के लिए बहुत बहुत आभार आपका, एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी के रिस्पांस के लिए। आप जुड़िएगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी फिर से एक बार, आप संभाषा में जुड़िएगा और अपने अनुभव और अपने प्रश्न को भी शेयर करिएगा। ओके।